शर्मिंदा बहा जब जब पसीना है, सूरज की शर्मिंदा बहा जब जब पसीना है। और वो शर्मा कि रहे बचपन से जो वातानुकूलित घर में क्या जाने, रहे बचपन से जो वातानुकूलित घर में क्या जाने, रहे बचपन से जो वातानुकूलित घर में क्या जाने। क्या होता सर्द रातों में फटे कंबल को पीना है, क्या होता सर्द रातों में फटे कंबल को पीना है। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि वफाएं करके जो चुपचाप दफाएं ले ले। यहाँ पर जो आया दीदी बैठी हुई हैं, जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, चाचा लोग हैं, मैं उन सबको प्रणाम करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि ये सब माएँ हैं, बहनें हैं, और माँ का रिश्ता, माँ की भूमिका ये बखूबी निभाती हैं। ये बच्चे का चेहरा देख करके जान जाती हैं कि क्या उसे भूख तो नहीं लगी कहीं, उसे प्यास तो नहीं लगी, बगैर उसके कहे ये पानी पिलाती हैं। तो मैं इनकी उस भावना को प्रणाम करते हुए चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि वफाएँ देखे जो चुपचाप दफाएँ ले ले, वफाएँ देखे जो चुपचाप दफाएँ ले ले, बैठ कदमों में उसके दिल की सदाएँ ले ले। आज का ये दिन हमने निकाला कि आज हम उनकी भी बात सुन रहे हैं, उनके अगर कोई समस्याएं हैं तो उनका निदान करने की कोशिश करेंगे। ये संकल्प लेते हुए ये पंक्तियाँ कि वफाएँ लेके जो चुपचाप दफाएँ ले ले, बैठ कदमों में उसके दिल की सदाएँ ले ले, और गम कोई कोई मुसीबत न पास भटकेगी, गम कोई कोई मुसीबत न पास भटकेगी, निकलते वक्त घर से माँ की दुआएं ले ले, निकलते वक्त घर से माँ की दुआएं ले ले। एक बच्चे आधे सर को बड़ा मजा आ गया। एक बच्चे से एक टीचर ने प्रश्न पूछा कि बेटा सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है, तो लड़के ने कहा कि एग्जाम्पल लेके बताएं, तो टीचर ने कहा कि हाँ बताइए। बोले सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, लड़के ने कहा गुरु जी एग्जाम्पल है कि जैसे आप पढ़ा रहे हो हमें ये सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो मैं आपको सुना रहा हूँ ये तो सत्य है, लेकिन आप सुन रहे हो कहीं मेरा भ्रम ना हो जाए, इसलिए सुनते हुए थोड़ी देर दो चार मिनट और बात करता हूँ। एक बार एक टीचर ने पूछा कि बेटा एक बताओ कि स्नेह और प्रेम इनमें क्या अंतर है, स्नेह और प्रेम इसमें क्या अंतर होता है। तो लड़का बड़ा तेज था, फिफ्थ क्लास का बच्चा, बड़ा प्यार से बोला कि सर एग्जाम्पल लेके ही बताऊंगा। तो बोले हम बताओ। बोले कि सर जैसे आपकी बेटी है फोर्थ में पढ़ती है, जब आप इसे चाहते हो तो वो स्नेह है, और अगर मैं उसे चाहूँ तो वो प्रेम हो जाता है। तो मैं अपनी औकात पे आ जाऊँ, जो मंचों पे पूरे देश में जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ कभी सम्मेलनों में, तो मेरा जो तेवर है वो आप तक पहुँचे, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। दो नुक्तक अपने तेवर के पढ़ देता हूँ, अभी तक तो बात आप लोगों की रही, अब मेरी भी बात सुन लीजिए, पंक्तियाँ वर्तों सुन लीजिएगा। क्या दिल है हमको जान लुटाए बैठे हैं, एक एक पल में भी सभी गवाए बैठे हैं। और सुनना, अगर किसी मोड़ पर खड़े होकर के किसी का इंतजार किया है और आपका दिल अगर उछल जाए ठक से लगे, तो वाह आपकी आए मुझक, अगर ठक से लगे तो आपकी वाह भी आनी चाहिए, सुनेगा। क्या दिल है हमको जान लुटाए बैठे हैं, एक पल में भी सभी गवाए बैठे हैं, गवा रहे हैं यही सोच करके चौखट पर, गवा रहे हैं यही सोच करके चौखट पर, शाम से पहले ही शम्मा जलाए बैठे हैं। अंतिम पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि तुम लास्ट कहो। आदेश से सुनना, आप कभी भी मानते नहीं इस बात को, लेकिन मेरी इस बात से आप मान जाओगे कि तुम लास्ट कहो ये कि तुम्हें प्यार नहीं है, तुम लास्ट कहो ये कि तुम्हें प्यार नहीं है, वो कौन है जो प्यार
प्यार में बीमार नहीं है। तुम लाख कहो, ध्रुव से सुनना, आपकी बात कर रहा हूँ कि तुम लाख कहो ये कि तुम्हें प्यार नहीं है। वो कौन है जो प्यार में बीमार नहीं है और बस मेनका के सामने आने की देर है। बस मेनका के रईस सर, सच्ची बात बता रहा हूँ काम की, कि बस बस मेनका के सामने आने की देर है। विश्वामित्र पर भी एतवार नहीं है।